Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. So viewers, we are discussing CPC section 27, force summoning or summon process. So let's start and see what law says. Our topic hai hamare paas CPC section shuru karenge 27 se 32 tak aur ऑर्डर 5, 27 और 32 दिखकर सम का प्रोसेस है और ऑर्डर 5 भी हमें प्रोसेस के बारे में ही बता रहा है। जब भी हम समन इशू करते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोसीडिंग होती है, कंप्लीट डिटेल जो सी है वो हमें गाइड करता है सेक्शन 27 to 32 और ऑर्डर 5 हमें गाइड करता है। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 27 क्या कह रहा है हमें? समन टू डिफेंडेंट, समन टू वेयर सूट सूट हैज बी इंस्टीट्यूट असमन असमन समन मैं भी इशू टू दी डिफेंडेंट्स। जहां भी कोई सूट जो दायर होगा उसमें समन भी इशू होंगे किसके नाम के? डिफेंडेंट के नाम पे। टू डिफेंडेंट्स टू अपेयर एंड to appear and answer the claim of plaintiff। जहां भी सेक्शन 27 हमें बता रहा है जहां भी कोई सूट फाइल होगा उसमें समन इशू होंगे किसके नाम के? डिफेंडेंट के नाम के। किस लिए? कि भाई आओ और आकर जो प्लेंटिफ ने क्लेम किया है, जो आप एलिगेशन लगाया है, उसका आके जवाब दो हमें, या उसे एक्सेप्ट करो और या फिर उसे डिनाई करके केस को कंटेस्ट करो। ठीक है, सेक्शन 27 याद कर रहा है। आगे आज हमारे पास 27A, सेक्शन 27A। ठीक है जी, 27A क्या हमें बता रहा है? प्रोसेस ऑफ समन, प्रोसेस ऑफ समन, समन shall be simultaneously unless otherwise ordered by court, by the court, by the court जी। अब वो यहाँ पे सेक्शन 27A हमें बता रहा है, क्या बता रहा है? प्रोसेस ऑफ समन, प्रोसेस ऑफ समन, आज समन शैल बी, शैल अनलेस अदरवाइज ऑर्डर बाय द कोर्ट। क्या कह रहा है कि समन इशू होंगे कब तक? जब तक अदालत इसमें मजीद ऑर्डर नहीं कर देती तब तक इसमें समन इशू होंगे। किसमें होंगे? जो फ्रेश केस फाइल टू द defendants by register post office or courier। तरीका क्या होगा जी रजिस्टर डिफेंडेंट को नोटिस करने का? कोरियर, रजिस्टर, पोस्ट ऑफिस और प्राइवेट पब्लिक कोरियर वगैरह जो होते हैं, ओटीसीएस वगैरह होते हैं, वो इशू होंगे। अब उसका नीचे प्रोसेस देख लें, समन टेनसली के भाई उसका प्रोसेस क्या होगा, इसको साफ करके हम चलते हैं आगे। आ गया जी सेक्शन 27A,
प्रोसेस ऑफ समन्स, द समन शैल बी इशू साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली उसी वक्त अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय कोर्ट टू दी डिफेंडेंट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहा है सेक्शन 27 ए, सॉरी 27 ए है, 27 ए प्रोसेस ऑफ समन। प्रोसेस ऑफ समन क्या है बता रहा जी, द समन शैल बी इशू, शैल बी इशू साइमल्टेनियसली अनलेस अदरवाइज, जब तक के ऑर्डर बाय कोर्ट, अदालत को ऑर्डर कर देती टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को जारी किए जाएंगे। सब क्लास टू हमें बता रही है सेक्शन 27 ए की, इसका प्रोसेस क्या है। अब प्रोसेस है जी, ए फिक्सिंग कॉपी ऑफ द समन, समन कौन सी स्पीकर्स एट सेम of the house in which defendant now have last raised or carries of business। जी कहाँ पे करेगा? अब सेक्शन 27A का सब क्लास टू ए मैं बता रहा है फिक्सिंग और कॉपी कहाँ, चस्पांदगी जिसे हम उर्दू में कहते हैं चस्पांदगी। अब फिक्सिंग मीन्स चस्पांदगी, अ कॉपी ऑफ द समन ऑफ द हाउस इन विच डिफेंडेंट नाउ हैज लास्ट राइज और कैरी ऑफ बिजनेस और वर्क फॉर गेन। ठीक है जी। कि जहाँ पर भी अभी समन हमें सेक्शन सब क्लास टू जो है हमें बता रही है कि जहाँ पर भी वो बिजनेस कर रहा था लास्ट टाइम, या रह रहा था या कोई वर्क कर रहा है गेन के लिए, वहाँ पे जाके हम इसको चस्पा कर देंगे। ठीक है। आगे आगे जी भी हमें बता रहा है कि एनी डिवाइस इंक्लूड फोन मोबाइल, फोन मोबाइल मेल टेलीफोन और टेलीविजन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी हमें बताया जा रहा है कि कोई हम बीच में इंक्लूडिंग टू डिवाइस मॉडर्न डिवाइस, ईमेल कर सकते हैं, फोन पे बता सकते हैं, फिक्स जारी कर सकते हैं, टेलीविजन पे बता सकते हैं। ठीक है जी। इसको मुझे थोड़ा सा रेस करना होगा। आ गया जी। जेंट मेल सर्विस और पब्लिक कोरियर जी, अर्जेंट मेल, फिर वही आ गया कि हम उसे मेल वगैरह कर सकते हैं, या पब्लिक कोरियर मीन्स प्राइवेटली जो भी अदारे हैं उनके जरिए जा सकता है। ठीक है। पब्लिकेशन इन प्रेस, पब्लिकेशन इन प्रेस मतलब अखबार में दे सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम जी। ये मैं बता रहा है जी, एनी अदर माइनर्स एनी अदर मैन एनी अदर डेम बाय फिट और जी हमें बता रहा है सेक्शन 27A का
सब क्लास है टू, और उसके आगे मजीद सब क्लास जी है जो हमें बता रहा है कि कोई भी भी हम उसमें रेमेडी ले सकते हैं, कोई भी हम उसमें कार्रवाई ऐसी कर सकते हैं जो फिट आ रही हो, जो कानून के मुताबिक हो, जो डिस्क्राइब की गई हो, वो हम इसमें 27A का प्रोसेस हमें प्रोसेस क्या बता रहा है। अब हम आगे चलते हैं 27A का सब क्लास जो है थ्री। सेक्शन मैं बता रहा है लोकेशन ऑफ दी प्रोसेस सर्विस सेवी ऑफ दी सेवी सेवन शेल बी मेंशन डिवाइस। अब ये हमें बता रहा है सेक्शन 20A का सब क्लास थ्री कि जहाँ भी कोई प्रोसेस सर्विस जाएगा समन लेकर, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा और जो समन होगा वो सर्व करेगा, उसकी पिक्चर लेगा जिसको भी उसने सर्व किया है, ठीक है, और उस जगह की तस्वीर लेगा और उसको रिकॉर्ड में रखेगा और रिपोर्ट लाके अदालत में पेश करेगा, और सब प्रोसेस सर्वर जो होगा उसको मॉडर्न डिवाइस के साथ उसको जो है ना देखा जाएगा, वो गया भी है नहीं गया, उसके लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा था सेक्शन 27 और 27A और उसकी सब क्लास 1, 2, 3 और उनके आगे सब क्लास ABCD। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम सेक्शन 28 की तरफ। सर्वर ओ समन वेयर डिपेंडेंट राइस्ट सेक्शन 28। सेक्शन 28 हमें बता रहा है कि जी आप कहाँ पर समन सर्व करेंगे। तो जाहिर बात है ये तो आम बंदे को भी पता है, बच्चे को भी पता है कि सेक्शन समन जो भी है, हम डिफेंडेंट को या अल्जाम लय को या मुद्दा लय को किसी को भी हम अगर सर्व करते हैं तो वो कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे वो हमें मिल जाए, जहाँ पे वो रह रहा हो या जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा हो या वक्ती तौर पे कोई भी वर्क कर रहा हो प्रॉफिट के लिए या गेन हासिल करने के लिए। इट्स मीन जहाँ मिल जाए हमें, हम वहाँ पे जहाँ पे जहाँ का हमारे पास एड्रेस हो हम वहाँ पे उसको समन सर्व करेंगे। इन अदर प्रोविंस मतलब ये क्या कह रहा है हमें, सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट राइज इन अदर प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस किसी दूसरे सूबे में रह रहा है तो उसको समन कैसे जाएंगे, समन ऐसे आए इसके पास बारे में समन में भी सर्विस इन इन अदर प्रोविंस कोर्ट मैनर एज माई परप्लेक्स। सेक्शन 28 ऑफ सीपीसी अगर किसी दूसरे सूबे में कोई डिफेंडेंट रैच पजीर है तो उसके हम समन कैसे जारी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखा कभी ऐसा होता हो, लेकिन सेक्शन 28 हमें बता रहा था ऐसा होता होगा, इतनी देर से मैं प्रैक्टिस में ही हूँ। बहरहाल जो दूसरा किसी सूबे में अदर प्रोविंस में रह रहा हो तो उसके खिलाफ अखबार इश्तहार हो जाता है कि जी कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जा सकते, इसलिए अखबार इश्तहार
की ज़रूरत है, अखबार से हाथ निकाल दिया जाता है, उसके पास वह इनिशिएटिव हो जाती है अगेंस्ट एक्स पार्टी। तो बहरहाल सेक्शन 28 ऑफ सीपीसी में बता रहा है, अगर किसी और सूबे में डिफेंडेंट रहस पजीर है तो क्या किया जाएगा, समन इशू किया जाएगा, कौन करेगा, अदालत करेगी इशू दूसरी जो सूबे को, और वहाँ की जो अदालत जिसको सेंड किया जाएगा वो आगे से इनिशिएटिव लेगी, ऐसे ही जैसे कि उसने खुद से ही जारी किया है, और उसकी तमीन करा के अब हमारा कार्ड वापस इधर सेंड कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो बेल आइकन को पुश कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और गलती बताइए हो तो माफ़ी चाहते हैं, और वीडियो तक के लिए अपना